जॉर्ज सोरोस ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये पूरी कहानी ना एक थ्रिलर फिल्म की तरह है। इस कहानी में कॉम्प्लिकेशन है। इस कहानी के लिए आपको एक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट आपके पास गोयला है और गोयला आपके लिए सब आसान करने वाला है। शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goela. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. जब आप ये पूरी कहानी सुनोगे ना, मजा तो आपको आएगा ही, बट उससे ज्यादा आपकी होगी लर्निंग। इस कहानी के एंड तक आप समझ जाओगे इकोनॉमी काम कैसे करती है। तो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। 4 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री, प्रॉब्लम, रोड टू फेलियर एंड द फाइनल पुश। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का आरबीआई। अब किसी भी देश के लिए ना, या किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए सबसे आसान सोल्यूशन क्या है? करेंसी ओवर प्रिंट कर दो। पेपर करेंसी है, रोलर घुमाओ, जितनी करेंसी निकलनी निकल जाएगी। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि जितनी ही आप करेंसी ओवर प्रिंट करते रहोगे, करेंसी पूरी इकोनॉमी में भर जाएगी। अब अगर करेंसी की सप्लाई इतनी हो गई, हर आदमी के पास लाखों करोड़ रुपए रखे हुए करेंसी के, तो करेंसी कुछ वैल्यू है? नथिंग, जीरो। और इससे होता है इन्फ्लेशन। अब ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन को इसके बारे में पहले से पता था, तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या डिसाइड किया था कि उनकी करेंसी पाउंड विल बी फुल्ली कन्वर्टेबल अगेंस्ट गोल्ड। मतलब कोई भी जाके पाउंड को एग्जैक्टली उतना गोल्ड खरीद सकता है। अब लॉजिकली तो ये ठीक है, बट इसका मतलब ये है कि अगर पाउंड की वैल्यू नीचे आती है, इसका मतलब डायरेक्टली यूके की गोल्ड रिजर्व नीचे आएगी। तो ये ब्रिटिश सरकार पे एक बहुत मेजर चेक था कि हम करेंसी को ओवर प्रिंट नहीं करेंगे। बट ये सब खत्म हो गया इन 1931। अब मैं आपको ले जाऊंगा उस टाइम पे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऑलरेडी इकोनॉमीज की हालत बहुत खराब थी। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम सेट किया। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम बहुत सिंपल है कि सारी करेंसीज को यूएस करेंसी से कंपेयर किया जाएगा एंड यूएस करेंसी फॉर $35 अ आउंस कैन बी एक्सचेंज विद गोल्ड। सो अल्टीमेटली पेपर की वैल्यू तो सोने से ही होती है, तो इट इज स्टिल बैक्ड अप बाय गोल्ड, बट पाउंड इज बैक्ड अप बाय डॉलर एंड $35 इज बैक्ड अप बाय 1 आउंस ऑफ गोल्ड। ये एक्सेप्ट सिस्टम हो गया। सब कंट्रीज जो भी इसमें इन्वॉल्व थी, सबने एक्सेप्ट कर लिया और गाड़ी आगे बढ़ने लग गई। ब्रिटेन के लिए ये एक अच्छा स्टेबल सिस्टम बन गया था और ये यूके ने डिसाइड कर लिया था कि अब ये अपनी करेंसी को और गिरने से इजीली बचा सकते हैं। बट 1971 में यही ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया गया। उस समय यूएस ने डिसाइड किया कि यूएस को आगे बढ़ना था, यूएस को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी थी, यूएस को और डॉलर्स प्रिंट करने की जरूरत थी और वो हो ही नहीं सकता था अगर यूएस गोल्ड से $35 के रेट पे सेट था। इसलिए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट 1971 में ये डिसाइड हुआ कि यूएस डॉलर कैन नो लॉन्गर बी एक्सचेंज विद द गोल्ड। इसमें यूनाइटेड किंगडम की हालत खराब हो गई, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और फिर वो ढूंढने लग गए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे लाएं, और सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते उनको मिल गई द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम शुरू हुई मार्च 1979 में, जब ERM को इंट्रोड्यूस किया। ERM मतलब यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। अब उस समय की सिचुएशन ये थी, यूरोप कंट्रीज तो एक दूसरे बहुत ट्रेड करती थी और किसी को अपनी करेंसी छोड़नी नहीं थी, तो सबने सोचा कि ठीक है एक ERM सेट करते हैं। तो ये फ्री मार्केट में करेंसीज एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड करती रहेंगी इन द फॉरेक्स मार्केट। और सरकार को एक सिंपल काम करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि यूरोपियन करेंसीज एक दूसरे के जितना पास रहे उतना रहे, कम से कम वॉलेटाइल रहे, सो दैट इन यूरोपियन कंट्रीज की इसमें ट्रेड आराम से होता जाए। और जैसे ही ये करेंसीज वॉलेटाइल रहेंगी ना, तो लॉन्ग टर्म में दे कैन लॉन्च अ कॉमन करेंसी फॉर द इंटायर यूरोप। तो ये थी प्लानिंग, एंड ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया है। अब एक फ्री मार्केट में अगर आप एक प्राइस कंट्रोल करना चाहते हो ना, ये उतना ही मुश्किल है जितना एक खुले जंगल में एक शेर को काबू में रखना। इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अब प्रॉब्लम देखना शुरू हो गए। उससे पहले मैं कहानी आगे बढ़ाऊं, मैं एक दो चीजें आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं। अब इसमें सबसे बड़ा इशू यही आ रहा था कि डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है, डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, कोई ग्रोथ स्टेज में, कोई रिसेशन स्टेज में, डिफरेंट है। उन सबके बीच सबकी करेंसी नॉन वॉलेटाइल रखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कैसे? अब किसी इकोनॉमी में अगर रिसेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? डिमांड बहुत कम है और सप्लाई है ज्यादा, इसलिए जो सप्लाई है वो बढ़ नहीं रही है क्योंकि लोग खरीद नहीं पा रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, पूरी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। सही बात है। अब इस डिमांड को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी क्या करती है? इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देती है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बैंक के लोन सस्ते हो गए, आप ज्यादा खर्चा करोगे, कंपनी सस्ते में पैसा उठा पाएंगी, वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी, आप ज्यादा सामान खरीदोगे, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और कंट्री रिसेशन के बाहर। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपको एक्सीलेटर और ब्रेक का इक्वल इस्तेमाल करना होता है ऑन द रिक्वायर्ड प्लेसेस। उसी तरह किसी भी इकोनॉमी में ना इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी को स्पीड अप करें या स्लो डाउन करें। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं, इकोनॉमी को स्पीड अप किया जाता है, ग्रोथ की तरफ लिया जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, इकोनॉमी में मारा जाता है ब्रेक टू स्लो इट डाउन। तो एक सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? टू मेंटेन दिस बैलेंस ऑफ एक्सीलेटर एंड ब्रेक। अब ईआरएम का पूरा कॉन्सेप्ट ना ऑन पेपर सेंस बनता है, पॉलिटिकली तो बहुत अच्छा सेंस बनता है, बट इकोनॉमिकली इसका कोई सेंस नहीं है। अब ये नोटिस किया उस टाइम की यूके की प्राइम मिनिस्टर ने, विच वाज मार्गरेट थैचर। उन्होंने ये देखा कि यार ईआरएम का फंडा ना ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। उन्होंने इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया, बट यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी खराब करी थी, जीडीपी नीचे आई थी, तो शी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्रीज की ऑलरेडी रिसेशन की तरफ जा रहा है, उनकी पावर ऑलरेडी काफी डिमिनिश थी। तो ऑपोजिशन खड़ी हुई, ऑपोजिशन से खड़े हुए जॉन मेजर, उन्होंने ईआरएम का साथ दिया। उसी समय उन्होंने ईआरएम का बहुत पॉजिटिव पुश दिया, बिकॉज ऑफ विच मार्गरेट थैचर शिरस्टाइन and John Major became the Prime Minister of UK and he went on with the ERM system। पूरे यूरोप ने ये डिसाइड कर रखा था कि जो करेंसीज होंगी ना ERM पे, वो 2.25 की रेंज में रहेंगी, या तो 2.25% ज्यादा या 2.25% कम, इस ही रेंज में मेंटेन करना है। बट ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज एक तो सेंट्रल बैंक का काम बढ़ गया, बिकॉज उनका तो मेन ही काम ये हो गया टू मॉनिटर द मार्केट्स कंटिन्यूसली। यूके तो एकदम एंड पोजिशन में था विद सेवरल अदर कंट्रीज, बट एट द सेम टाइम कंट्रीज लाइक जर्मनी और दो तीन और छोटी यूरोपियन कंट्रीज, वो उसको तभी भी ढंग से मेंटेन कर पा रहे थे। और इसी वजह से शुरू होती है द रोड टू फेलियर। अब यूके को ईआरएम में ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे। कहानी में खेत डालने के लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, बट ये मेरी तरफ से आपके लिए एक प्ली है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसा कंटेंट लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड वी रियली नीड टू रैक अप सपोर्ट फॉर अ चैनल। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो इफ यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन इट विल रियली हेल्प अस आउट। यूके को 2 साल इस सिस्टम में हो गए थे, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब यूनाइटेड किंगडम ने ये ईआरएम का सिस्टम ज्वाइन किया ना, वो ऑलरेडी रिसेशन में थे। अब गाड़ी वाला एग्जाम्पल आपको याद है, गाड़ी रुकी भी है तो एक्सीलेटर दबाने की जरूरत है, इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत है। बट अगर यूके सरकार इंटरेस्ट रेट कम कर देती तो होता क्या? ज्यादा पाउंड्स लोग ट्रेड करते, यूके इकोनॉमी में पाउंड की ट्रेडिंग बढ़ जाती, पाउंड ज्यादा फैल जाता, पाउंड की वैल्यू कम हो जाती। तो जस्ट इमेजिन यूके उस सिचुएशन में अटका हुआ था कि वो इंटरेस्ट रेट तो कम कर नहीं सकते, इकोनॉमी में एक्सीलेटर दबा नहीं सकते, बिकॉज ईआरएम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उनको क्या करना पड़ा? उन्होंने बंद गाड़ी में दोबारा ब्रेक मार दिया बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। इसके बावजूद पाउंड और गिरता गया। और अब आता है द फाइनल पुश। यूके ऑलरेडी इधर खड़ा हुआ था और 16 सितंबर 1992 को, और ये जो फाइनल धक्का मारा, ये धक्का मारा गया था भाई जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस हम सभी जानते हैं वो कौन है, आजकल तो बहुत न्यूज में, बिकॉज ऑफ द जॉर्ज सोरोस एंड द मोदी सिचुएशन। जॉर्ज सोरोस ने देखा कि यूके से इकोनॉमी तो संभलने वाली है नहीं, ये बंद इकोनॉमी में और ब्रेक मारे जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, और अगर यही सिचुएशन रही, पाउंड की वैल्यू तो अल्टीमेटली गिरनी ही गिरनी है, बिकॉज इकोनॉमी खत्म है तो पाउंड कितना स्टेबल रह जाएगा। जॉर्ज सोरोस ने टिल 16 सितंबर 1992, उससे पहले से ही हल्के हल्के अपनी पोजीशन शॉर्ट करना शुरू की, बट पाउंड स्टेबल था, पाउंड को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बट इसके बाद पाउंड की बैंड बज गई। जर्मनी के सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ने बोला कि हमें ईआरएम का सिस्टम ना पूरा री इवेल्यूएट करना पड़ेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज एंड अ लॉट ऑफ करेंसीज आर नॉट एबल टू कोप अप। बस फिर था क्या? 15 सितंबर 1992, व्हिच इज अ ट्यूसडे, ट्रेडर्स ने भर भर के पाउंड डंप किया, शॉर्ट सेल किया। रूमर्स ये बोलते हैं कि ये जो इतनी हैवी शॉर्ट सेलिंग हुई थी, दिस वाज बिकॉज ऑफ जॉर्ज सोरोस एंड हिज कनेक्ट्स, बट इसमें कुछ फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, तो हम इसको एज अ फैक्ट नहीं बोल सकते। बैंक ऑफ इंग्लैंड की हालत खराब, दे स्टार्टेड बाइंग द पाउंड्स सो दैट की जो इतनी सप्लाई आ रही है बेचते वक्त, वो खरीदेंगे तो प्राइस स्टेबल रहेगी, बट वो कोप अप ही नहीं कर पाए। फिर आया ब्लैक वेडनेसडे 16 सितंबर 1992। इस दिन सुबह 10:30 AM जॉन मेजर की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 10% पे हाई है, बट हम इंटरेस्ट रेट और बढ़ाते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे पाउंड और लिमिटेड हो जाएगा तो सप्लाई पाउंड की और कम हो जाएगी तो द प्राइस ऑफ द पाउंड विल इंक्रीज। इस एजम्पशन पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट 10% से 12% कर दिया, मतलब ऑलरेडी बंद गाड़ी पे एंकर डाल दिया कि अब तो गाड़ी हिले ही ना, बट तभी भी सेलिंग होती गई। तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर दोबारा आए और उन्होंने इंटरेस्ट रेट 12% से 15% बढ़ा दिया, जस्ट टू मेक श्योर एंड टू वार्न द ट्रेडर्स कि जो ट्रेडर्स शॉर्ट कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि पाउंड ऊपर चढ़ेगा तुम सब बर्बाद हो जाओगे, टू मोटिवेट देम टू स्टॉप शॉर्टिंग द पाउंड, टू स्टॉप सेलिंग द पाउंड। बट पूरा कंसेंसस ये था कि यूके गवर्नमेंट की बस की कुछ नहीं है इस टाइम पे और लोग शॉर्ट करते गए। फिर क्या था, बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने घुटनों में आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। इट लॉस्ट 3.3 बिलियन यूरोस एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट जॉर्ज सोरोस ऑन दैट डे मेड $1 बिलियन इन 1992 एंड पाउंड गॉट फिनिश्ड। और 16 सितंबर 1992 को ही अगेन जॉन मेजर केम एंड एट 7 PM उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स दोबारा एट 10% कर दिए बिकॉज ही न्यू द वॉर इज लॉस्ट। ये था द ब्लैक वेडनेसडे दैट ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड।